फ्रेंड्स, मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में जेंडर जस्ट वर्ड के विषय को भी रखा गया है। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न्यायी न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान राइट टू इक्वालिटी के तहत ही जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करता है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया। आज 70 साल बाद अब चुनाव में महिलाओं का ये पार्टिसिपेशन अपने सर्वोच्च स्तर पर है। अब 21वीं सदी का भारत इस पार्टिसिपेशन को दूसरे पहलुओं में भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सफल अभियानों के कारण पहली बार भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट लड़कों से ज्यादा हो गया है और किसी भी हिंदुस्तानी को इस बात का गर्व होगा। इसी तरह सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्तियां हो, फाइटर फ्लाइट्स की चयन प्रक्रिया हो, माइंस में रात में काम करने की स्वतंत्रता हो, सरकार द्वारा अनेक बदलाव किए गए हैं। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जो देश की कैरियर वुमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव देता है।